Hey, still. आदरणीय स्वामी, श्री घर बंधु जी और उत्तर प्रदेश के सांसद श्री शरद त्रिपाठी, श्री पीजी हल्दर, पूर्व महानिदेशक सीआरपीएफ श्री दुर्गा प्रसाद जी, पूर्व महानिदेशक सीआरपीएफ श्री प्रकाश जी मित्र, लेफ्टिनेंट जनरल श्री रणधीर जी मेहता, सुश्री श्रुति मुनियप्पा, श्री तुषार जी जोशी, श्री सुभाष शरण, श्री मोहन भाई पटेल, अन्य अधिकारी वर्ग जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, इस राष्ट्र कथा शिविर के बारे में वर्षों से मैं सुन रहा था और हमारी यह इच्छा भी थी कि कभी न कभी इस राष्ट्र कथा शिविर में मैं स्वयं भाग लू। 2007 में आने का मेरा कार्यक्रम बना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं आ पाया। लेकिन इस बार मैंने फैसला किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मैं निश्चित रूप से राष्ट्र कथा शिविर में भाग लेने के लिए चलूंगा। आज प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने अपने भारत देश के भविष्य के लोग निर्माताओं को मैं देख रहा हूं और स्वामी धर्मबंधु जी को भी मैंने सुना है। बाबा नीचे करके यार, लाइव है। स्वामी धर्मबंधु जी को सुनकर नहीं समझा जा सकता। यदि स्वामी धर्मबंधु जी को समझना है तो उनको कामों को देखकर ही स्वामी धर्मबंधु को समझा जा सकता है। यह जो राष्ट्रकथा शिविर वर्षों से चली आ रही है, यह किसी पुस्तक अथवा किताब से जुड़ी हुई कथा का शिविर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की कथा का शिविर है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी धर्मबंधु जी ने यह संकल्प ले रखा है कि हमें अपने भारत राष्ट्र को एक सशक्त भारत बनाना है, स्वाभिमानी भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है और अपने भारत को हमें एक सुसंस्कृत भारत बनाना है। ऐसे भारत के निर्माण के लिए वह अपनी तरफ से प्रयत्नशील। राष्ट्र का जहां तक सवाल है, इसकी संकल्पना हमारे देश में बहुत ही पहले ही की गई, सदियों पहले। शायद दुनिया के किसी दूसरे देश ने राष्ट्र की संकल्पना नहीं की थी, लेकिन भारत ने सदियों पहले राष्ट्र की कल्पना की। और मेरे बच्चों, राष्ट्र किसी भूमि के टुकड़े को नहीं कहते। हमारा जो भारत का यह राष्ट्र है, यह केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। हमारा यह भारत का राष्ट्र केवल कुछ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि हमारा यह भारत का राष्ट्र, भारत की भूमि, भारत पर रहने वाले लोग के साथ साथ जो भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं, भारत के परंपराएं हैं, इन सबको जोड़कर हमारा यह भारत राष्ट्र निर्मित होता है। और भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के संस्कार ही हमारे इस राष्ट्र को एक नई चेतना देने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा यह भारत राष्ट्र सदैव एक जीवंत राष्ट्र रहा है। उस भारत राष्ट्र के हम सभी नागरिक हैं, यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं देख रहा हूं कि स्वामी धर्मबंधु जी केवल सशक्त, स्वाभिमानी और सुसंस्कृत भारत का ही निर्माण नहीं करना चाहते हैं, बल्कि शायद उनके दिल की तमन्ना यही है कि हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, पुनः हमारा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाए, यह उनके दिल की तड़पन है। आप सबको जानकारी है कि धर्मबंधु जी काम बहुत करते हैं, प्रचार नहीं करते, कहीं पर उनका नाम देखने को नहीं मिलेगा,
ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय हुआ कि उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, माने अपनी ख्याति अपनी प्रसिद्धि की चिंता नहीं है, चिंता है केवल भारत माता की चिंता है स्वामी धर्मबंधु जी की, और उसी भारत माता के प्रति भी बहुत पूरी तरह से समर्पित है। यह कोई छोटी बात नहीं है, और यह काम कौन कर सकता है? छोटे मन का व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। हमसे यदि कोई पूछे, मैं आपसे यदि मैं पूछूं, स्वामी धर्मबंधु जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, भारत का गृह मंत्री यहां खड़ा हूं, दोनों में कौन बड़ा है? तो जो समझदार व्यक्ति होगा ये कहा कहेगा कि बड़ा और महान यदि कोई है तो स्वामी धर्मबंधु जी। मेरे बच्चों, जिंदगी में इस सच्चाई को समझ लेना, कोई व्यक्ति जीवन में धन के कारण बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति जीवन में पद के कारण बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति जीवन में केवल ज्ञान के कारण नहीं बड़ा होता, यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन में पोस्ट प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज के कारण ही बड़ा नहीं होता है। मनुष्य अपने जीवन में बड़ा यदि होता है तो अपने कर्मों के कारण बड़ा होता है, अपने कृत्यों के कारण बड़ा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्वामी धर्मबंधु जी हम सब लोगों से बड़े हैं, उनका कद पद के कारण बड़ा नहीं है, उनका कद यदि बड़ा है तो अपनी कृतियों के कारण बड़ा है, अपने कामों के कारण बड़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो बड़े। और वह छोटे मन के व्यक्ति यदि होते तो शायद यह काम करते हुए बहुत सारी ख्याति अर्जित करने की, प्रसिद्धि अर्जित करने की वो कोशिश करते, कोई भी अर्जित ख्याति अर्जित करने, प्रसिद्धि अर्जित करने कोई चाहत नहीं है। यह व्यक्ति, यह कौन व्यक्ति काम कर सकता है? मैं किसी बच्चे से पूछूं, कोई एक लड़का खड़ा हो जाएगा, बताएगा बिना किसी प्रसिद्धि के, बिना किसी फेम के कौन व्यक्ति जीवन में काम कर सकता है? बड़े मन का व्यक्ति काम कर सकता है कि छोटे मन का व्यक्ति काम कर सकता है? बड़े मन का व्यक्ति। और मेरे बच्चों, जीवन में इस सच्चाई को याद रखना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वही होता है जो बड़े मन का होता है। छोटे मन का व्यक्ति जीवन में कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। और जीवन में सर्वाधिक यदि सुख यदि किसी को प्राप्त होता है, सर्वाधिक सुख यदि किसी को प्राप्त होता है तो छोटे मन वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बड़े मन वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब यहां पर बच्चे बैठे हैं, मैथमेटिक्स इसमें बच्चों ने पढ़ी है हाई स्कूल में, कितने बच्चे जरा हाथ उठाओ, वेरी गुड। मैं मान लू मन, मन यह एक छोटा सा सर्किल है, एक वृत्त है, सर्किल है। मैं कहता हूं मन यदि सर्किल है तो सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी इसकी परिधि जितना बढ़ाते चले जाओगे उसी रेशियो में, उसी अनुपात में तुम्हारे सुख की मात्रा और आनंद की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। और इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। यानी मनुष्य जीवन के सारे बंधनों से जब मुक्त हो जाता है ऐसे आनंद की बात में कर। मनुष्य का मन जितना भी बड़ा होता चला जाता है उसी अनुपात में उसके आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति अपने आप बड़ी होती चली जाती। इसलिए बच्चों याद रखना, जीवन में कभी छोटे मन से काम मत करना, काम करना तो बराबर बड़े मन के साथ काम करना। जिसका मन जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा वह आध्यात्मिक पुरुष माना जाता है। मंदिर में जाकर पूजा करने से, मस्जिद में जाकर इबादत करने से,
गिरजाघर में जाकर सिजदा करने से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता है तो अपने मन को बड़ा करके ही जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। बराबर। और भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले लोगों का मन बहुत बड़ा था। दुनिया के किसी दूसरे देश में वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने का काम नहीं किया है। दुनिया में किसी देश के ऋषियों और मनुष्यों ने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है तो केवल और केवल भारत देश के ऋषियों और मनुष्यों ने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। यानी भारत के रहने वाले लोगों ने अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं माना, जिस समाज में रहते हैं उन्हीं को अपना नहीं माना, जिस देश में रहते हैं उन्हीं को ही अपना नहीं माना, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया कि द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह बड़े मन का कोई व्यक्ति काम कर सकता है। सवाल यह खड़ा होता है कि भारत जो कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, आज हमारा वह भारत फिर से कैसे विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा? हमारे भारत का जो गौरवशाली अतीत, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसे समझने की जरूरत है। और बच्चों मैं कहना चाहता हूं, कोई इस पर हमसे डिबेट करना चाहता है तो मैं डिबेट करने को तैयार हूं। जो ज्ञान विज्ञान और कला जीवन मूल्य भारत के हैं दुनिया की किसी देश की संस्कृति में वह देखने को नहीं मिले, कहीं नहीं। मैं ज्ञान और विज्ञान की बात करता हूं तो बच्चों को लगता होगा अमेरिका बहुत आगे, रूस बहुत आगे, चीन बहुत आगे। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बच्चों जानते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, हाथ उठाओ। कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए बीच में, कोई एक खड़ा हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतलाएगा मुझे? कोई ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप समझते होंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हिंदी में द्विघातीय समीकरण कहते हैं, यह दुनिया के किसी दूसरे देश ने दिया है, दूसरे देश के गणितज्ञों ने दिया है। लेकिन बच्चों आज मैं बताना चाहता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दुनिया के दूसरे देश के लोगों ने नहीं दिया है, हजारों वर्ष पहले हमारे ही देश के ऋषियों और मनीषियों ने दिया है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस महर्षि ने जिस ऋषि ने याद किया है उसका नाम है श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी ने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे विश्व को दिया। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो? पाइथागोरस थ्योरम को किसने दिया था? बोलो जोर से बोलो। नो, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस थ्योरम यह विषय पाइथागोरस ने नकल करके बनाई है। इस पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम ये जिसकी चर्चा की मिस्टर पाइथागोरस ने, तो मेरे बच्चों उसके 800 वर्ष पहले बोधायन ऋषि ने इस पाइथागोरस प्रमेय को लिया था। आज भी हमारे धर्म ग्रंथों में वह संस्कृत में विद्यमान है, जिसे कोई देख सकता। मान गए ना कि भारत के पास भारत ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे है। आपने देखा होगा आज के कुछ साल पहले, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है लेकिन शायद 6-7-8 साल पहले रात को मैं टेलीविजन देख रहा, टेलीविजन पर खबर आ रही थी अमेरिका की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी ने कहा है सारे दुनिया में
एक महीने के बाद चंद्रग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, और अमेरिका की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी ने यह भी बताया कि सूर्य ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। सारे भारत के लोग उसकी सराहना कर रहे थे, क्या हाई टेक्नोलॉजी है, क्या हाई टेक्नोलॉजी अमेरिका की। लेकिन मेरे बच्चों, आप जिस गांव में रहते हो, जिस गली में रहते हो, बगल में यदि कोई कर्मकांड करने वाले पंडित जी होंगे, पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी होंगे, जिनके पास पंचांग होगा, कैलेंडर होगा, जिसमें देखते हैं कौन सा शुभ मुहूर्त है, आप उस पंडित जी के पास चले जाओ, घुटने तक धोती पहने हुए पंडित जी अपने पंचांग को, अपने कैलेंडर को पलटेंगे और यह बतला देंगे कि 10 साल के बाद पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। और यह कला, यह विद्या जी सबसे प्रारंभ से यदि किसी के पास रही है तो भारत के पास। यहां भी कोई जानकार यदि कर्मकांडी पंडित जी बैठे होंगे, पंचांग को खोल कर यह बतला देंगे कि आगामी 50 साल के बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। अमेरिका नहीं बता सकता, यूएस की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी नहीं बता सकती। यानी ज्ञान और विज्ञान में भारत कितना उन्नत था। यहां सारे बच्चों ने प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा है, किसी बच्चे ने मैनेजमेंट और बीएससी और बच्चे हैं या कोई हाथ उठाए, हाई यूनिवर्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा है, कोई है लड़का खड़ा हो जाए, कोई है यहां हाइजेनबर्ग का नाम सुना है, नहीं सुना, नहीं सुना। मैं यह सब सारे उदाहरण बच्चों इसलिए देना चाहता हूं, यह कभी भी मन के अंदर हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सारा ज्ञान और विज्ञान जो है दुनिया के दूसरे देशों के पास है, सारी साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे देशों के पास है, भारत के पास कुछ नहीं। हम लोगों ने नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आज आवश्यकता है इस पर रिसर्च वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, और मुझे खुशी है इस पर काम हो रहा है, कई संस्थाएं काम कर रही हैं। और मैं स्वामी धर्मबंधु जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, इस क्षेत्र में भी आपके द्वारा जो काम चलाया जा रहा है इस पर भी रिसर्च वर्क प्रारंभ किया जाना चाहिए, ताकि सारे भारत, सारी दुनिया को यह बताया जा सके कि ज्ञान और विज्ञान में भी भारत कितना उन्नत है, कितना आगे है। और बच्चों, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों की इच्छा होगी पढ़ाई करने के बाद मैं नौकरी करूंगा, धन कमाऊंगा, ताकतवर बनूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि यह सब हासिल करके मैं महान बन जाऊंगा, मैं ग्रेट बन जाऊंगा। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, राम और रावण का। आप राम को महान मानते हो कि रावण को महान मानते हो? राम को मान। क्यों? रावण तो राम से ज्यादा धनवान थे, रावण राम से ज्यादा रिच थे, क्योंकि उनके पास सोने की लंका, राम के पास सोने की लंका नहीं थी। और राम से ज्यादा विद्वान यानी राम से बड़े स्कॉलर रावण थे, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण को मानते थे। तो रावण राम से ज्यादा धनवान भी थे, राम से ज्यादा विद्वान थे, राम से ज्यादा ज्ञानवान थे। और रावण ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, भगवान शिव से उन्होंने वरदान हासिल किया था। यानी भगवान राम से ज्यादा बलवान भी थे, ताकतवर भी था रावण थे। लेकिन जो रावण भगवान राम से ज्यादा धनवान भी था, रावण से ज्यादा ज्ञानवान भी था, रावण से ज्यादा बलवान भी था, उस रावण को हम महान नहीं मानते हैं। महान यदि मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को महान मानते हैं, और हम भगवान राम की हम पूजा करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या था?
अंतर था तो चरित्र का केवल अंतर था, चरित्र का। एक बार स्वामी विवेकानंद जी दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत की धर्म और संस्कृति पर वह लेक्चर देते थे, भाषण करते। जैसे मैं आप सबके सामने धोती और कुर्ता पहन कर खड़ा हूं, स्वामी विवेकानंद भी गए तो गेरुआ वस्त्र पहने थे, सिर पर साफा था। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, पश्चिमी देशों के बहुत सारे लोग जो उस ऑडिटोरियम में, उस सभागार में मौजूद थे, वह स्वामी विवेकानंद को देखकर ये हंसने लगे, मुस्कराने लगे, ये सूटेड वूटेड तो है नहीं, ये क्या बोलेगा। देखिए स्वामी विवेकानंद समझ गए, यह सारी जो हंसी है, सारी मुस्कान है, यह व्यंग्यात्मक मुस्कान है। तो जब स्वामी विवेकानंद जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा। मेरे बच्चों, मनुष्य के जीवन में चरित्र का सबसे बड़ा महत्व, और मैं मानता हूं कि स्वामी धर्मबंधु जी अपने इस कथा शिविर के माध्यम से जो भारत के भविष्य हैं उनके चरित्र के निर्माण का कार्य भी संपादित कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वह सारे तत्व, वह सारे फंडामेंटल्स आज भी भारत के पास है कि भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। सारे फंडामेंटल्स, सारे भक्त, सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं कि हमारा भारत आज भी जगत गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। आज आप जानते हैं कि भारत की मान्यता, भारत की विश्वसनीयता, भारत की ताकत का एहसास दुनिया के दूसरे देशों को भी हो रहा है, और भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सम्मान बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। इसको और आगे हमको बढ़ाना है, क्योंकि सारी वह चीजें मौजूद हैं, वो सारे तत्व, सारे फंडामेंटल, कि हम भारत को वहां तक ले जा सकते हैं। योगा किसकी देन है? भारत की देन है। योगा दिवस के अवसर पर दुनिया के 192 देशों में भारत का की देन जो योग है, वह योग का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और दुनिया के अधिकांश देशों में अब लोग योग कर। 2009 में एक बहुत बड़ी कॉलमिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की लीजा मिलर ने 2009 में लिखा कि मैं देख रही हूं कि अमेरिका में आयुर्वेद के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, यह सब भारत की देन है। योगा के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, प्राणायाम के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो उसने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन। यानी भारत का प्रभाव, भारत की छाप लोगों के ऊपर किस तेजी के साथ बढ़ रही है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने भारत के प्रति हमारे मन के अंदर एक गौरव का भाव होना चाहिए, अपने देश में। आप सभी बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा, पढ़ाई लिखाई करो, मन लगाकर करो, पूर्ण मनोयोग के साथ करो, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो कहीं दुनिया के दूसरे देशों से आया हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि इस भारत की धरती से ही यह उपजा हुआ ज्ञान है जिसे तुम प्राप्त कर रहे हो। आज इस अवसर पर सचमुच मुझे इस शिविर में आकर बेहद खुशी हुई, और मैं जानता हूं कि कभी कभी हमारे बच्चों के मन में यह भी सवाल पैदा होगा कि आप इतने दिनों तक, सैकड़ों वर्षों तक, सदियों तक भारत जिस स्थान को हासिल करना चाहता है क्यों नहीं हासिल कर रहा है। कारण उसका,
लंबे समय तक यह भारत पराधीनता और दासता के दंश को झेलता रहा। हमारी जो विकास करने की आगे बढ़ने की क्षमता थी वह अवरुद्ध हो गई, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को रोक नहीं सकता और फिर से हमारा भारत केवल एक सुपर इकोनॉमिक पावर ही नहीं बनेगा, सुपर पावर ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम केवल यह चाहते हैं इकोनॉमिक पावर भी बने, सुपर पावर भी बने, लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर हम चाहते हैं कि भारत जगत गुरु के पद पर आसीन हो, विश्व गुरु के पद पर आसीन। आप यह कहोगे कि भारत सुपर पावर बन जाए, इकोनॉमिक पावर बन जाए, इस इतने से ही आप क्यों संतुष्ट नहीं, क्यों एक कदम आप आगे चले गए? बहुत जो ताकतवर व्यक्ति हो जाता है, जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है, लोगों को उसके बगल में खड़े होने में डर लगता है, भय लगता है, कहीं से हमारी शरीर टच कर गई, हमें मार दिया, हमसे नाराज हो गया। शक्तिशाली व्यक्ति के बगल में खड़े होने से भय लगता है, लेकिन गुरु के बगल में खड़े होने पर कभी भय नहीं लगता है, बल्कि सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत केवल सुपर इकोनॉमिक पावर न बने, भारत केवल सुपर पावर न बने, बल्कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, ताकि हम विश्व कल्याण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। आज के अवसर पर मैं इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी बच्चों को बड़ा होने के कारण अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। और परमपिता परमेश्वर से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनके अंदर वह योग्यता, वह क्षमता, वह प्रतिभा पैदा करे, ताकि भारत को महान भारत बनाने में, भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वामी धर्मबंधु जी और उनके पूरे जितने भी सहयोगी हैं, उन सब सभी सहयोगियों के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तुमको पता है लाइव जा रहा है तो आगे पीछे कर रहे हो। हम बहुत आभारी हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर।